मुख्य चुनाव अधिकारी वेंकटेश्वर लू ने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन देश के त्योहार की तरह है, सभी मतदाता इसको बड़े ही धूमधाम से मनाएं, जिससे देश में स्वच्छ, स्वतंत्र और निष्पक्ष सरकार का गठन हो सके। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदेय स्थलों पर अतिरिक्त फोर्स लगाया जाएगा। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील किया कि देश में बेहतर सरकार बनाने के लिए अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने कहा, आज हमने यहाँ पे गोरखपुर मंडल में, आप सब लोग परिचित है, इसकी एवरेज जो है कभी 60% से ज़्यादा मतदान नहीं होता है यहाँ पे, तो इसका क्या कारण है उसको भी विश्लेषण करने की ज़रूरत है। भारत निर्वाचन आयोग का इस बार इस पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है कि कोई भी मतदाता ना छूटे। हमारे लिए हर एक मतदाता महत्वपूर्ण है, हर एक मतदाता इस पवित्र हमारी प्रजातंत्र की महात्योहार में अच्छे माहौल में प्रतिभाग कर सके। इसको इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि क्रेडिबल, एथिकल और फेस्टिव इलेक्शन होना चाहिए, त्यौहार जैसा माहौल होना चाहिए। त्यौहार मीन्स आदमी को बड़ा उत्साह के साथ, बड़ी निर्भीकता के साथ, बड़े प्रेम के साथ अपनी मत का प्रयोग करें। ये प्रजातंत्र का बहुत बड़ा त्यौहार में प्रेम से, उत्साह के साथ, निर्भय के साथ इसमें प्रतिभाग करें। इसके लिए ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, ऐसा माहौल क्रिएट करें, अपनी अच्छे स्वतंत्र वातावरण में आके, बड़ी उसकी स्वागत योग्य वातावरण में अपनी पूरी विवेक के साथ अपना मतदान प्रयोग कर सके, अपना प्रतिभाग कर सके मतदान की प्रक्रिया में। तो इसके लिए हमने सारे एसपी और इनसे भी बात किया है, इन सभी लोगों ने वादा किया है कि हम लोग ये पूरी तरह से हर एक मोहल्ला, हर एक बूथ पे इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे कि पूरी तरह से जो भी अवरोधक तत्व है, ट्रबल मेकर्स है, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, जो भी रूमर्स हैं, गलतफहमियां हैं, उसको दूर किया जाएगा। और हमारी जितनी इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब्स बने हैं, चुनाव पाठशालाएं बने हैं, बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स बने हैं, वोटर अवेयरनेस फोरम्स बने हैं, NCC, NSS, पिछले एक साल से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पे बड़ी व्यापक रूप से मतदाता जागरूकता का बड़ा व्यापक अभियान चलाया गया है। उसको इस बार डायरेक्शन देने की, फोकस देने की आवश्यकता है। तो सभी हमारे अधिकारी लोगों से हमने बात किया, आज भी जो इतना इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब से काम कर रहा है उनके साथ हमने बात किया है। ऐसे व्यापक रूप से ऐसा कंड्यूसिव, ऐसा स्वागत योग्य वातावरण बनाना है। IG साहब, AD साहब ने भी कहा है कि इनके अपने फोर्सेस हो और जो बाहर से जो फोर्सेस आ रहे हैं उनको भी इस तरह का मार्गदर्शन दिया जाएगा, उस तरह का उनको समझा दिया जाएगा, वोटर के साथ एक स्वागत योग्य व्यवहार करना है और दुष्टों के साथ शक्ति का व्यवहार करना है और अच्छे वोटर को एक अच्छा माहौल देना है ताकि वो व्यक्ति वहाँ पर आए। हमने ये भी कहा था कि बूथ के अंदर भी और बूथ के बाहर भी हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, इससे बड़ी जिम्मेदारी नहीं हो सकता है चुनाव में, हर एक मतदाता पूरी निर्भीकता के साथ स्वतंत्र वातावरण में वोट डालें। ये हमारी इस प्रजातंत्र के प्रति और देश के प्रति सबसे बड़ी निष्ठा है। हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी लोग पूरी लगन के साथ और हमारी जितनी इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब्स है इन सब की इस बार विशेष रूप से जिम्मेदारी है और ये हमारे कमिश्नर और IG साहब पूरी तरह से मॉनिटर करेंगे। तो इस बार अधिक से अधिक मतदान भी होना है, पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरा प्रेम पूर्वक वातावरण में इस पर होना है। सभी लोगों ने इस पर कहा है और आप सब लोगों का भी सहयोग है। डेमोक्रेसी सबकी है, ये आपकी और हमारी है और आपकी बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। तो अच्छी चीज़ों को आप लोग भी बढ़ावा दें, जो गलत उलझुल बातें होती हैं, जो अनावश्यक रूप से रूमर फैलाए जाते हैं, तो जिस बातों के फैलने से लोगों में एक तरह की आशंका उत्पन्न हो या एक तरह की नेगेटिव नकारात्मक भावना उत्पन्न हो, तो वो ऐसी बातों का बढ़ावा ना देके अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि नकारात्मक भावनाओं को तत्काल हमारे लोग, जैसे भी आपकी जानकारी में होगा आप सूचना दे दें, उसको भी अंकुश लगाना, उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना है। अच्छाई हमेशा समाज में अच्छाई को बढ़ावा देना है और जो गलत चीज़ों को उसको क्षीण करना है, तभी अच्छी व्यवस्था बन सकती है। तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। ये शिकायत के लिए इस बार 1950 की व्यवस्था है, कंट्रोल रूम है, CVJ एक एप्लीकेशन है, वह तत्काल आदमी कोई भी गलत चीज़ हो रहा है तो उसको अपलोड करके भेज सकते हैं।
डायल 100 पूरी तरह से उस दिन भी इसमें एक्टिव रहेगा और सारे जिलों में लोगों ने कंट्रोल रूम खोल रखा होगा, तो हम सब लोग भी इसमें पूरा वैसे वेबकास्टिंग की व्यवस्था है, पोलिंग बूथों के अंदर माइक्रो ऑब्जर्वर से बनाए गए हैं, वीडियोग्राफी होगी और सेंट्रल फोर्सेस को भी तैनात किया जाएगा। उन सबको इन सभी चीज़ों को समग्रतापूर्वक इस्तेमाल करते हुए तो आप सब लोगों का भी बड़ी भूमिका है। आप लोग फटाफट जहाँ भी कोई गलत चीज़ होता है आप लोग भी इसमें करते रहते हैं। हम लोग पूरी इस बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं हमारे यहाँ पे, हम लोगों ने मुख्यालय पे भी, यहाँ पे भी ये लोग कहेंगे कि जहाँ पे भी कोई चैनल में कोई भी चीज़ यदि आता है तत्काल उसको अटेंड कर दिया जाए, तत्काल उसको समस्या का समाधान, भले पोलिंग बूथ के अंदर हो या बाहर हो। तो इस बार इतनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है और इतनी जो फास्ट कम्युनिकेशंस है, मोबाइल नेटवर्क है, इंटरनेट है, किसी भी माध्यम से हमको जानकारी मिले सारे चैनल्स हम लोग ओपन रखेंगे और तत्काल उसको समय से एक्शन लेंगे और पहले से भी ऐसा माहौल बनाएंगे, हर एक व्यक्ति को पूरी विश्वसनीय वातावरण, ट्रबल मेकर्स के खिलाफ कार्रवाई और पूरी क्रेडिबल एटमॉस्फेयर बना दिया जाए ताकि हर एक व्यक्ति पूरी निर्भयता के साथ वोट डालें। सभी DMs ने और सभी SPs और हमारे सभी कमिश्नर और IG सब लोगों ने कहा कि इस बार बहुत कम से कम 70% लोग तो बोल रहे हैं कि 80% तक, मैंने कहा था भाई आप लोग 70% भी ऊपर ले जाएंगे इट इज़ ए ग्रेट अचीवमेंट, क्योंकि 60 से ऊपर नहीं गया इस मंडल में, तो ये सब लोगों के लिए एक बड़ी ठीक है जुनून के साथ काम करना। मैंने ये भी कहा था कि केवल हम लोग प्रतीकात्मक रूप से एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ रैली निकाल लिया या कुछ जो इसमें सिंबॉलिक रंगोली कर दिया है, नाटक कर दिया, वो भी उसका भी अपना महत्व हो सकता है, बट लेकिन उतने से बात बन नहीं रहा है, तो गहराई में जाके समस्या को खोजना पड़ेगा। हर एक मतदाता किस कारण से वो नहीं निकल रहा है, उनकी जो बाधक तत्वों को हटाना पड़ेगा और उनको एंकरेजिंग तत्वों को उसको मजबूत करना पड़ेगा। एक ही चीज़ है, हर एक बूथ लेवल पे कैसे रोबस्ट मैनेजमेंट किया जाए, कैसे उसकी मजबूत व्यवस्था हर एक चीज़ को एड्रेस करने वाले हो, तो ताकि रूमर्स आशंकाएँ दूर हो और उसको सम्यक उसकी एक तरह का आत्मविश्वास और एक तरह का उसकी एक कंड्यूसिव माहौल, उनके मन में एक उत्साह का वातावरण बनाना, ये सब की जिम्मेदारी है। हम आशा करते हैं कि इस बार हम लोग प्रजातंत्र के लिए, देश को हित में, पूरी संवैधानिक मूल्यों के आधार पर निष्पक्ष, स्वतंत्र और नैतिक और फेस्टिव माहौल में यहाँ पर मतदान। सर, शहरी क्षेत्रों में कब पोलिंग होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में कम हो रहा है? ये शहरी क्षेत्रों के लिए भी मैंने बोला है कि भाई ये जो है जो व्यक्ति थोड़ा बहुत साधन संपन्न है, ये सुविधा भोगी ना बने, इसकी प्रजातंत्र में इस देश ने उनको कुछ अच्छा उसको अच्छा सुविधा प्रदान किया है या भगवान कृपा से कोई समर्थवान हो गया है, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है अपने सामर्थ्य का, जो भी जिस तरह की सामर्थ्य हो अपने स्वयं भी वोट डाले, 100, 50, 1000 जिनकी जितनी क्षमता है नैतिक आधार पर मतदान के लिए सहयोग करें, ना कि उस दिन वो आलसीपन या ये जो किम कर्तव्य विमूढ़ता या लापरवाही ना बरतें। ये देश के लिए, समाज के खातिर उन सबको भी अपना अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाना चाहिए। उनसे भी आपके माध्यम से अपील करते हैं और हमारे अधिकारी लोग भी उनसे प्रेम से बात करेंगे। मुझे पूरी आशा है कि देखिए हर एक के हृदय में देश के प्रति, प्रजातंत्र के प्रति प्रेम जरूर रहता ही है, तो लेकिन उसको इसको एक प्रकटीकरण करना है और उनकी भी शंकाओं को, उनकी भी जो संदेह है उसको भी दूर किया जाना है। अल्टीमेटली हम सबको जितना पॉजिटिव माहौल बनाएंगे, हमेशा समाज में कुछ अच्छे लोग रहते हैं, कुछ बुरे लोग रहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं फेंस सिटर्स, लोग बोलते हैं कि हमेशा समाज में जो बोलते हैं कि 20% मैनेजमेंट फिलॉसफी, 20% वो एकदम उत्कृष्ट लोग रहते हैं, हर परिस्थिति में पूरी तरह से सकारात्मक रूप से पूरी ताकत लगा देते हैं, और 20% सबसे नीचे रहते हैं, वो परिस्थिति जितना भी अच्छा हो वो उतनी एक्टिवली आगे नहीं आते, उनके अंदर आलसीपन है, जड़ता है, वो है। लेकिन बीच में 60% लोग है, माहौल अच्छा होगा ये पॉजिटिव की चीज़ जाएंगे, माहौल नेगेटिव होगा नेगेटिव की चीज़ जाएंगे। हम लोग यदि अच्छा माहौल देंगे, ये जो बीच वाला है उसको हम लोग माहौल देने की ज़रूरत है, तो हम आशा करते हैं कि इसको सबको, हर एक व्यक्ति को, हम लोग हर एक मतदाता को जागरूक करेंगे, हर एक मतदाता को इसमें एम्पावर करेंगे, सशक्त करेंगे और उसको सावधान करेंगे ताकि पूरी निर्भीकता के साथ अधिक से अधिक प्रतिभाग कर सके। इस बार हम आशा करते हैं आप सब लोगों को सहयोग से सबसे अच्छा चुनाव और सबसे अधिक प्रतिभागिता। देखिए मोबाइल पे ऊपर प्रतिबंध है, क्योंकि सभी लोग मोबाइल ले जाएंगे, वहाँ पे जाकर अंदर पोलिंग बूथ पे जाकर उसमें कुछ करने लगेंगे, जो रिस्ट्रिक्शंस है। देखिए इलेक्शन कमीशन ने सोच समझ के एक व्यवस्था बनाने की दृष्टि से वो पास की व्यवस्था है, हर एक व्यक्ति को एक मर्यादा है। देखिए ये सिस्टम नहीं तो चल नहीं पाएगा,
एक मर्यादा के साथ, एक डेकरम डिसेंसी डिसिप्लिन के साथ व्यवस्था चलती है। व्यवस्था के दृष्टिगत रखते हुए जो भी जितना इंस्ट्रक्शंस आया है विद इन दैट लिमिटेशंस एंड कंस्ट्रेंट्स, हम सब लोग मिलकर एक अच्छी व्यवस्था देना है। बात भी करेंगे, इनके साथ भी बात करें, फिर आप लोगों से भी बात करें, और हम चाहते हैं प्रत्याशियों के साथ, वैसे हमारे ऑब्जर्वर्स भी आ जाएंगे तब तक। इससे पहले ये लोग विभिन्न पोलिटिकल पार्टी से, अल्टीमेटली पोलिटिकल पार्टी हमारे सबसे बड़ा बड़ा स्टेक होल्डर्स है, सारे पोलिटिकल पार्टी जो है संतुष्ट हो जाए हमारी व्यवस्थाओं से, पहले उनके भी कोई शंका हो तो पहले से हम लोग एड्रेस कर लें, ताकि एकदम जो निष्पक्ष स्वतंत्र और पारदर्शी व्यवस्था है और जो व्यापक प्रतिभागिता के साथ और नैतिक मतदान सुनिश्चित करने के जो भारत निर्वाचन आयोग का त्यौहार, इसमें हर जगह आप देखा होगा महात्यौहार, प्रेम और उत्साह और उल्लास के साथ पूरी पवित्र भावना के साथ इसमें सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी है, और हर एक व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका समझे, अपनी अपनी भूमिका मर्यादा के साथ निभाए। पोलिटिकल पार्टीज भी सभी अपने भाई है, आपस में भी भाई है, वो अपने भी भाई है, ये आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक है, तो सभी लोग उनको उसकी उस मर्यादा और उस मैच्योरिटी के साथ हम लोग अपने काम करने के तरीका तो हम लोगों को जानना ही चाहिए। तो आप लोग भी अच्छाई को बढ़ावा देना है और जो भी बुराई है उसको हतोत्साहित करना है। जो पक्ष में किसी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने की जिम्मेदारी, हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी कर रहे हैं, कहा कि हमारे लोग ये भी ठेका भी ले लेंगे, हम आपको ज़्यादा वोट दिलाएंगे, ये करेंगे, वो आना ही दिक्कत, आपका काम है, वॉच डॉग है, निष्पक्षता के देखते रहना है, किसी ना पार्टी नहीं प्रत्याशी के मतलब नहीं, दूरदर्शन देखिए हमको जो करना है, कोड ऑफ कंडक्ट है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है, पीसफुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, आईपीसी धारा है, उसके अंदर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, नोटिस भी जारी होना चाहिए, जो जैसी स्थिति हो, ये तो हमारे अधिकारी लोग काम है, मैं सवाल में बता रखा हूँ। आपकी जो जिम्मेदारी भी है कि कोई गलत, हर एक व्यक्ति को मुँह है कुछ भी बोलेगा, तो किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, किस चीज़ को कितना महत्व देना चाहिए, आपको देना चाहिए, गलत सलत बोलना है तो उसकी आलोचना होना चाहिए। भाई ये प्रजातांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, प्रजातांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध जो भी बोलता है, कोई जाति पाति के आधार पर या मजहब के आधार पर नफरत फैलाने की बात हो, या ये पैसा शराब की जो बात हो, या जाति मजहब के आधार पर समाज में नफरत फैलाने की बात हो, एनिमोसिटी बिटरनेस एंटागोनिज्म जो बढ़ाता है किसी की भाषण से बात से, वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, इसी ने कहा कि वो जो है अनैतिक काम है और कानून अपराध भी है। तो ये तरह की बुजुर्ग बातें, गलत बातें करने वालों की आलोचना होना चाहिए, और ताकि हम लोग इनसे भी कहेंगे कि हमारे वोटर के माध्यम से भी ऐसा जाना चाहिए, जो व्यक्ति इस तरह की गलत बातें करता है वो इतनी साल की आज़ादी के बाद वो प्रतिनिधि बनने लायक नहीं है, वो उनको पसंद करके लोग वोट कैसे डाल रहे हैं, ये भी ताजुब करने वाली बात है। ये हम लोग प्रजातंत्र जो है, इतने साल के बाद हम लोग संवैधानिक मूल्य की सभी शब्द का के आते हैं, ऐसे गलत चीज़ें बोलते हैं, ऐसे गलत चीज़ें बोलने वालों को क्यों पसंद किया जाता है, क्यों वोट मिलते हैं, बहुत लोग गलत बात इसलिए बोलते हैं उसे वोट मिलेगा, सही बातों पे वोट मिलना चाहिए, गलत बातों पे वोट मिल रहा है वो भी चिंता के विषय है, और हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि भाई अच्छाई को बढ़ावा देना के लिए हम लोग उस तरह की समालोचना करें, उस तरह की हम लोग सही बातों को प्रचार प्रसार कराएं, ताकि अच्छाई को बढ़ावा मिले।